अगला सवाल है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस में डिफरेंस रहेगा अगर हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाली कार को यूज़ कर रहे हैं तो। तो साहब नेक्सॉन ईवी के अंदर भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, मतलब गाड़ी का जैसे आप एक्सीलरेटर छोड़ते हो तो एक्सीलरेटर छोड़ते ही गाड़ी अपने आप से जनरेट करेगी एनर्जी को, और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी उसको कन्वर्ट करेगी बैटरी के अंदर, बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर वहाँ पर स्टोर कर देगी। इस कारण से आप इजीली गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, उसकी बैटरी इंप्रूव कर जाएगी, बैटरी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव कर जाएगी। इनफैक्ट ऐसा काफ़ी बार देखने को हुआ है कि पहाड़ी एरियाज में कोई ऊपर से नीचे गाड़ी उतर रही है, जब उतरनी शुरू हुई तो बैटरी का बैकअप कम है, जब नीचे तक पहुंची क्योंकि अपने आप ग्रेविटी के कारण नीचे रोल आउट कर रही है, एक्सेलरेटर यूज उतना नहीं हो रहा है और अपने आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग लग रही है, तो नीचे पहुंचने पहुंचने तक थोड़ी सी इंप्रूव कर रही रेंज। तो दैट्स हाउ इट हेल्प्स द ड्राइवर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और ये नॉर्मल कोर्स में भी काम करती है, हम आए दिन जो भी गाड़ी चला रहे होते हैं वहाँ पे हमारे डेफिनेटली काम आती है, रीजनरेट होती रहती है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। विल द एक्सपीरियंस डिफरेंट? यस, द ड्राइविंग एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ पेट्रोल और डीजल व्हीकल, क्योंकि एक पेट्रोल और डीजल व्हीकल के अंदर क्या होता है, आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी एक्सेलेटर दबाते हो, गाड़ी भागती है, एक्सेलेटर छोड़ते हो तो गाड़ी रोल करती रहती है टिल द टाइम वी अप्लाई द ब्रेक्स। लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार को जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे, ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे, आपने सिर्फ एक्सेलेटर छोड़ा तो अपने आप ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं, तो आपको लिटरली फील होगा गाड़ी रुकनी शुरू हो गई। इमीडिएटली नहीं रुकेगी, एक झटके के साथ नहीं रुकेगी, लेकिन गाड़ी की स्पीड धीमी होनी शुरू हो जाएगी। तो वो आपको ध्यान रखना होगा वाइल ड्राइविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। ज्यादा कोई ऐसा बड़ा हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से एक्सेलेटर पैर रखिए और गाड़ी चलाइए। जब जब आप एक्सेलेटर छोड़ेंगे रीजनरेशन शुरू हो जाएगा।